हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हिट जॉब्स ऑन फॉरेन सॉइल नॉट इंडियाज़ पॉलिसी। तो यहाँ पे जयशंकर जी ने क्लियर कर दिया है, ये कोई इंडिया की ऐसी पॉलिसी नहीं है। देखते हैं क्या है। इन द लेटेस्ट राउंड ऑफ स्पेयरिंग बिटवीन द इंडिया एंड कनाडा ओवर द किलिंग ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर इन ब्रिटिश कोलंबिया लास्ट जून, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैड टोल्ड इट्स कैनेडियन काउंटर पार्ट दैट इट वॉज नॉट इट्स पॉलिसी टू इंगेज इन सच एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, ये हमारा कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने का। मिस्टर जयशंकर एडेड दैट कैनेडा हैड अ वेरी परमिसिव इन्वायरमेंट एज फार एज दी सेक्शनिस्ट एक्टिविटी वॉज कंसर्न। वी टोल्ड द कैनेडियंस दैट दिस इज़ नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियाज़ पॉलिसी। मिस्टर जयशंकर सेड अबाउट द एलिगेशंस ऑफ इंडियाज़ इन्वॉल्वमेंट इन निजर्स दैट द कैनेडियन वर ऑल्सो टोल्ड दैट इफ दे हैड एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन द गवर्नमेंट वॉज ओपन टू लुकिंग एट इट। तो यहाँ पे साफ गवर्नमेंट इंगेज करने के लिए बैठा हुआ है। अगर आपके पास कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, या आपके पास कोई एविडेंस है, तो प्लीज़ आप बताइए, हम यहाँ पे कॉपरेट करने को तैयार है। पर आप ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते क्योंकि इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर बोल दिया गया है और साफ बोला है कि कनाडा के वहाँ पे इन्वायरमेंट ही ऐसा है। देखते हैं क्या है। ठीक है, ये इन्होंने आपके न्यूयॉर्क में बोला है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है। सीकिंग टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू द सिचुएशन मिस्टर जयशंकर सेड द कनाडा हैड सीन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिलेटिंग टू सेक्शनिस्ट फोर्सेज दैट इज सपोर्टर ऑफ इंडिया रिलेटेड सेक्शनिस्ट मूवमेंट सच एज खालिस्तानी। तो ये चीज़ यहाँ पे पहले से चल रहा है कनाडा में। वी हैव एक्चुअली बीन बैजरिंग द कैनेडियन, बैजरिंग मैंने बार बार बोला जा रहा है कैनेडियंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ही सेड वी हैव गिवन देम अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइज क्राइम लीडरशिप विच ऑपरेट आउट ऑफ कैनेडा। द मिनिस्टर एडेड दैट इंडिया हैड मेड सेवरल एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट ऑफ कैनेडा कि भाई वापस भेजो यहाँ के जो क्रिमिनल्स है। आवर कंसर्न इज दैट इट्स रियली बीन वेरी परमिसिव बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन। तो ये साफ यहाँ पे खुल के बोल रहे हैं पॉलिटिकल रीजन है, वोट बैंक है यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो का। ठीक है, जयशंकर सेड एडिंग दैट इंडिया इंडियाज डिप्लोमेट हैव बीन थ्रेटन्ड एंड इट्स कंसुलेट्स अटैक्ट। ही नोटेड दैट देर हैज बीन इन्फ्लुएंस इन इंडियाज पॉलिटिक्स ऑफन जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंसर्न अबाउट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें और जस्टिन ट्रूडो को JT आपका है बी बेवकूफ। देखते हैं आगे क्या है इसमें। हिट जॉब्स ऑन फॉरेन सॉइल, वही कंटिन्यूएशन है उसका। कनाडा एंड इंडिया हैव एक्सचेंज डिप्लोमेटिक फायर ओवर अ पास्ट वीक्स रिक्वायरिंग ईच अदर टू डाउनसाइज देयर मिशन एंड इंगेजिंग शार्प वर्ड्स। तो यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है डिप्लोमेटिकली, यहाँ पे साफ यही बताया जा रहा है। कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैड इवन एज रिसेंटली एज ट्यूजडे सेड दैट दे वर कंसर्न अबाउट फॉरेन इन्फ्लुएंसेस इन कैनेडाज पॉलिटिक्स। तो साफ यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैनेडा पॉलिटिक्स में फॉरेन इन्फ्लुएंसेस नहीं होना चाहिए। वहाँ के कैनेडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ऐसा बोल रहे हैं। आस्क फॉर अ कमेंट ऑन द रिपोर्ट शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस बिटवीन द फाइव फाइव कंट्रीज ऑफ निज्जर्स किलिंग। द रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI हैड वॉन्ड सर्टन पर्सन अबाउट द थ्रेट्स टू देयर लाइफ आफ्टर द इंसिडेंट। जयशंकर सेड आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फाइव आईज, ही एडेड आई एम सर्टेनली नॉट पार्ट ऑफ द FBI। तो यहाँ पे जयशंकर साहब का जो रहता है प्रॉपर बोल्ड स्टांस वही है। ठीक है, द फाइव आई इज एन इंटेलिजेंस अलायंस। देखिए क्या है फाइव आई। द फाइव आई इज एन इंटेलिजेंस अलायंस कंप्राइजिंग ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप देखिए यूके, USA, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा। तो USA के ऊपर हो गया न्यूजीलैंड और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बगल में हो गया न्यूजीलैंड और यूके, ब्रिटेन हमें पता ही है कहाँ पर है। व्हेन आस्क इफ ही वाज प्रोवाइडेड विद एनी एविडेंस बाय कैनेडियन गवर्नमेंट लिंकिंग इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स टू निज्जर एलेज किलिंग स्पेशली एविडेंस ऑफ इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन, मिस्टर जयशंकर डिड नॉट क्लियरली कन्फर्म और डिनाई वेदर ही हैड सीन सच डॉक्यूमेंट्स। आर यू आस्किंग इफ कैनेडियंस गेव अस द डॉक्यूमेंट्स, ही सेड। इन्होंने हाँ ना नहीं बोला, बहुत ही अच्छे से डिप्लोमेटिकली इन्होंने मैटर को वहाँ पे बोला कि क्या पूछना चाह रहे हो, कैनेडियन ने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए कि नहीं। व्हेन आस्क अगेन इफ द कैनेडियन हैड गिवन हिम और द इंडियन गवर्नमेंट अ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज इंटरसेप्शन डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, ही सेड आई हैव सेड दैट इफ समबडी गिव्स अस स्पेसिफिक और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन
वी आर प्रिपेयर टू लुक एट इट। तो इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया, कभी भी इन्होंने हाँ ना नहीं बोला। आप देखिए ये होता है हमारा डिप्लोमेट, अगर हमारे डिप्लोमेट्स ऐसे आगे जाके मिनिस्ट्री लेवल पर जाएंगे तो ऐसे ही आंसर देंगे, क्योंकि ये उनके खून में है डिप्लोमेसी। उन्होंने हाँ यस और नो इसमें इन्होंने नहीं आंसर दिया, इन्होंने सब बोला तुमको क्या लगता है कोई अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसको नहीं देखूंगा, ऑब्वियसली वी विल हैव अ लुक एट इट। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली यही बोला, तो इन्होंने अभी भी ये क्लियर नहीं किया मिला है नहीं मिला। इन्होंने साफ बोला अगर मिला होगा इंपॉर्टेंट होगा हमने देखा है, नहीं तो नहीं देखा है। तो वो आप अपने हिसाब से सोच लो, सामने वाले के लिए इंटरप्रिटेशन ओपन रख दी इन्होंने। मिस्टर जयशंकर वॉज अगेन प्रेस्ड ऑन वेदर ही हैड रिसीव द एविडेंस ऑफ परपोर्टेड इंटरसेप्शन कम्युनिकेशन, इफ आई हैड वुड आई नॉट बी लुकिंग एट इट। तो इन्होंने साफ जब फिर से पूछा गया तो पूछा इन्होंने क्या अगर मेरे पास होता तो मैं क्या उसको अभी देख नहीं रहा होता ढंग से। ही वॉज प्रेस फर्दर फॉर अ येस और नो एट विच पॉइंट मिस्टर जस्टर द मॉडरेटर इंटरवीन। तो उसके बाद भी उनको येस और नो के लिए वहाँ पे बोला जा रहा था, पर उन्होंने उनके जवाब भी ऐसे ही थे डिप्लोमेटिकली, और उसके बाद वहाँ के जो मॉडरेटर थे मिस्टर जस्टर वो बीच में आ गए कि भाई ऐसे किसी को हम परेशान नहीं कर सकते, नहीं तो फिर कभी हमें भी परेशानी हो जाएगी। ये चीज़ बहुत अच्छी की उन्होंने रोक दिया। तो यहाँ पे आप देखिए जयशंकर साहब ने साफ बता दिया इस आर्टिकल में हमारे लिए, यहाँ पे इंडिया का स्टांस क्लियर कर दिया, ठीक है, इंडिया स्टांस क्लियर कर दिया कि हम ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इंडियाज पॉलिसी ऐसी नहीं है, ठीक है। इन्होंने साफ ये चीज़ क्लियर कर दी है, इंडियाज पॉलिसी ऐसी नहीं है कि हम जाके किसी को ऐसे मारे, और सही बात है इंडिया ऐसा नहीं करता है। द फाइव आई अलायंस ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, द फाइव आई अलायंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या है इसमें आप देखिए, आपके इसमें आप देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं, यूएसए है, यूएसए के ऊपर में कैनेडा, ठीक है। आप देखिए यूएसए कैनेडा के आपके यहाँ पे अगर यूएसए आ गया तो यहाँ पे कैनेडा आ गया और यहाँ पे आपका यूके आ गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये इस अब दूसरा मैप, यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के नीचे में इधर में ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के बगल में यहाँ पे न्यूजीलैंड, तो आप देखिए न्यूजीलैंड, तो इतने इसके मेंबर्स है। और ये क्या है आपका इंटेलिजेंस अलायंस है, इसमें ये सारे लोग हैं, ठीक है। और एक फाइव फाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो कभी भी पूछ सकता है क्या है फाइव फाई कंट्रीज, इसके रिपोर्ट अभी न्यूज़ में थे किसके रिगार्डिंग थे, निज्जर स्किलिंग के लिए थे, तो ऐसा ये है क्या, तो ये एक आपका इंटेलिजेंस आपका अलायंस है। कौन से कंट्रीज है इसके अंदर, ये है क्या इंडिया है, इंडिया है नहीं है, होता तो मैं यहाँ पे बता नहीं देता आप लोगों को, और यहाँ लिखा नहीं होता, तो इंडिया नहीं है इसका पार्ट। तो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।